राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स से मिलवाती हूँ, जो कि परमानेंट प्लांट्स है और बहुत जैसे जैसे इनकी सीजन होती है बहुत सारे हमें फ्लावर्स देते हैं ये। तो सबसे पहले देखिए, ये हिबिस्कस का प्लांट है जो कि मेरे पास में काफ़ी सारी वेराइटी है, अलग अलग हाइब्रिड भी है और जो नॉर्मल वाला देसी हिबिस्कस आता है वो भी है। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, सर्दियों में इनकी सबसे ज़्यादा सीजन होता है फ्लावर्स का और अभी भी ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसमें मेरे पास में बहुत सारे कलर्स हैं, ये देखिए पिंक है, ये ऑरेंज है, अभी फ्लावर नहीं है इस पर, बाकी ये आप देखिए, आप कली देख सकते हैं कि ये डार्क ऑरेंज कलर का है, ये कुछ अलग वेराइटी है, ये येलो कलर है। इस तरीके से मेरे ये जो हैं हिबिस्कस के प्लांट्स हैं वो है, और ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, ये इसका जो देसी वाली वेराइटी होती है वो वाली है। सेकेंड आप देखिए, अलमंडा का प्लांट है, ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इसके अंदर जो इसकी बुश वाली वेराइटी भी आती है और इसके साथ ही जो है वो ये जो बेल वाली वेराइटी है, दोनों ही वेराइटी आती है मेरे पास, ये दोनों ही हैं। इसमें दो कलर्स आते हैं, येलो और एक जो है वो रेड कलर आता है। ये देखिए, ये इसकी बुश वाली वेराइटी है, ये इसके थोड़े लीव्स छोटी होती हैं और आराम से बुशी बन जाती है, और ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद आप देखिए, नागचंपा का प्लांट है जो कि ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें भी तीन से चार कलर्स आते हैं अलग अलग और ये बहुत सारे फ्लावर्स देता है। इसकी फ्लावर जो होती है उनमें फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारी होती है। एक कलर ये है और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। सेकेंड जो कलर है वो आप देख सकते हैं, ये रेड वेलवेट कलर है और देखिए कितना प्यारा है, एकदम वेलवेट की तरह इसके फ्लावर्स लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। ये भी एक परमानेंट जो है फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये एक्जोरा का प्लांट है, ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, ये मेरा हाइब्रिड वाला एक्जोरा है, इसमें भी मेरे पास में बहुत सारे कलर्स हैं, अभी ये इस पर फ्लावरिंग हो रही है, ये इसका रेड वाला कलर है। इसमें भी अभी देखिए, ये और जो है इनमें ये देखिए बर्ड्स वापस से आना स्टार्ट हो गई है, ये पिंक कलर है, वाइट कलर है, और तो ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसके फ्लावर एक बार खिलने के बाद काफ़ी टाइम तक ये लगे रहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, कनेर का जो प्लांट है वो ये भी बहुत ही प्यारा है और ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें ढेरों फ्लावर्स आते हैं एक साथ में और बहुत सारे ही फ्लावर्स इसमें खिलते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना, जबकि ये मेरा बहुत बड़ा और पुराना प्लांट नहीं है, अभी बिफोर 6 मंथ ही मैंने इसको ग्रो किया है, तो ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बाद आप देखिए, ये डबल चांदनी का प्लांट या सिंगल चांदनी जो भी होते हैं, ये दोनों ही, ये देखिए इसकी बुश वाली वेराइटी है मेरे पास में, ये डबल चांदनी का प्लांट है और इसके भी आप फ्लावर्स की क्वान्टिटी देख सकते हैं कितनी बर्ड्स है, तो डेली काफ़ी सारे इसमें फ्लावर्स खिलते रहते हैं, ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, ये कृष्ण कमल या जो राखी बेल जिसे हम बोलते हैं, वो भी ये भी एक परमानेंट आपके फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें भी बहुत सारे सीजन में फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये आपके गार्डन में हमेशा बनी रहती है, अगर आप इसकी थोड़ी केयर अच्छे से करते हैं तो ये चलती रहती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके गार्डन को फूलों से भरने के लिए। नेक्स्ट देखिए, रोज़, आप तो रोज़ तो सभी जानते हैं कि ये जो प्लांट होते हैं ये भी परमानेंट प्लांट्स होते हैं, ये मेरा हाइब्रिड वाला है ऑरेंज कलर का, ये देखिए इसका पुराना है और अभी इसमें काफ़ी सारे कलियां भी आ रही है और डेली इसमें खूब फ्लावरिंग भी हो रही है। इसमें भी मेरे पास बहुत सारी कलर वेराइटी है पर अभी बाकियों में फ्लावर्स नहीं है, तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, ये मिनी मधुकामिनी का जो प्लांट है, ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसके भी फ्लावर्स में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, बहुत ही अच्छी जो स्मेल जो इसकी होती है वो होती है और इस पर भी ढेरों फ्लावर्स खिलते हैं, ये आपके गार्डन में परमानेंट बना रहता है और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। नेक्स्ट आप देखिए, ये जो टिकोमा का जो प्लांट है, ट्रम्पिट जिसको बोलते हैं, ये मेरा पर्पल कलर का है, इसे मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले ग्रो किया था और इसकी फ्लावर्स आप देख सकते हैं कि कितनी सारी इसमें बर्ड्स जो हैं वो निकल रही हैं और काफ़ी बहुत खूबसूरत इसके जो फ्लावर्स है वो होते हैं। ये भी एक परमानेंट जो है फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसे बुशी बना के ग्रो कर सकते हैं, आप इसको नीचे मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, एक वाइन की तरह ये ग्रो होता है।
इसके बाद ये देखिए मेरा हेमिलिया का प्लांट है, इसमें भी बहुत बर्ड्स और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और ढेरों फ्लावर्स आपके गार्डन में देता है। नेक्स्ट जो है ये परिजात का प्लांट है, इसमें भी ये देखिए अभी इसमें जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी फ्लावर्स ये डेली प्रोड्यूस कर रहा है। अभी ये भी ज़्यादा पुराने प्लांट नहीं है मेरे, इनको मैंने इस ईयर ही ग्रो किया है, तो अभी ये चार चार तीन तीन महीने पुराने प्लांट्स ही है, लेकिन इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है और काफ़ी अच्छी ये फ्लावरिंग भी मुझे दे रहे हैं। इसके बाद ये देखिए ट्रम्पेट वाइन में ये ऑरेंज कलर है, आपको मैं इसका कलर ये देखिए बर्ड्स आई ये दिखाती हूँ। ये भी एक काफ़ी खूबसूरत वाइन है और बहुत ही प्यारे इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं गुच्छों के रूप में और काफ़ी खूबसूरत ये लगती है। मैं इसे वाइन की जैसे ही ग्रो कर रही हूँ। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन के कुछ प्लांट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं और ये सभी इजी ग्रोथ करने वाले परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स है। आगे जो भी और भी फ्लावरिंग प्लांट है वो मैं जब उन प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।